इस एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सभी घबरा गए हैं। कह रहे हैं कि योगी की तो नीति ही है, ठोक देंगे। वैसे बहराइच हिंसा को लेकर आज 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से 2 का तो एनकाउंटर हो गया, जिस पर हमने आपको अभी पूरी रिपोर्ट दिखाई। अब एक वीडियो और वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक मुस्लिम महिला दिख रही है। 1 मिनट 57 सेकंड के उस वीडियो में मुस्लिम महिला ने पहले ही एनकाउंटर की आशंका जता दी थी। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के मारे जाने की भी आशंका उसने जताई है। आखिर वो महिला है कौन, उसका बहराइच हिंसा से कनेक्शन क्या है, देखिए। जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। हमको डर है कि उनकी उनको फर्जी क्वार्टर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाए। प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रहे हैं। कैमरे के सामने सिसकियां भरकर जो महिला बयान दे रही है उसका नाम रुखसार है। और जानते हैं इस महिला का ताल्लुक किससे है। बहराइच हिंसा के दौरान मरने वाले शख्स राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद से, एनकाउंटर में घायल हुए सरफराज से। आपको बता दें कि रुखसार राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी है। और यूपी पुलिस ने आज जो एनकाउंटर किया जिसमें 2 आरोपी गोली लगने से घायल हुए, उनमें से 1 आरोपी सरफराज की बहन है। रुखसार को डर है कि आज नहीं तो कल एनकाउंटर में उनके पिता और भाइयों को मौत की घाट उतारा जा सकता है। रुखसार को आशंका है कि किसी भी हाल में यूपी पुलिस उनके परिवार वालों को बख्शने वाली नहीं है। ऐसे में रुखसार ने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने पिता और भाई की सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमको डर है कि उनकी उनको फर्जी इंक्वाइंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाए और मेरे पति ओसामा और साहिब को भी इसी मेरे पति ओसामा और साहिब की भी हत्या कर दी जाए। प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आज ही यूपी के बहराइच जिले में हुई हिंसा के 2 आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। इसके साथ ही पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन इस एनकाउंटर से ठीक पहले ही आरोपी सरफराज की बहन ने अपने पिता और भाई के एनकाउंटर की आशंका जताई, क्योंकि योगी की फोर्स कैसे आरोपियों को जवाब देती है, कैसे गुनहगारों का हिसाब करती है, ये रुखसार को भी बखूबी पता था। और हो भी क्यों ना, रुखसार के पिता और भाई राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी भी तो थे। एक तरफ रुखसार को एनकाउंटर की आशंका थी, उसके फौरन बाद जैसे ही बहराइच हिंसा मामले में एनकाउंटर की खबर सामने आई, सियासी बवाल खड़ा हो गया। विपक्ष योगी सरकार और यूपी पुलिस पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। पहले से फर्जी एनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए। सपा प्रमुख एनकाउंटर को साजिश करार दे रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस बहराइच हिंसा मामले में हुए एनकाउंटर को फर्जी करार दे रही है। मगर इसी बीच योगी सरकार के मंत्री विपक्ष के आरोपों का पलटवार करते हुए एनकाउंटर को जायज बता रहे हैं। पुलिस पकड़ने जाएगी अगर कोई पुलिस के ऊपर
गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहलाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है, वो चाहे मरे जिंदा या मुर्दा उनको पकड़ना है। यानी एनकाउंटर की खबर सामने आने के बाद पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग चरम पर है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जहां आरोपी सरफराज की बहन रुखसार वीडियो के जरिए अपने भाई की सुरक्षा की अपील कर रही है, तो वहीं अजमेर दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती बहराइच में हुई हिंसा पर विवादित बयान दे रहे हैं। कुदरत का कानून है, आप घरों में भी घुस जाओगे, डीजे पे गालियां भी बखोगे, धर्म को भी गालियां बखोगे, हमारे लोगों को भी गालियां बखोगे, एक समुदाय मुसलमान समुदाय को गाली बखोगे और फिर ये भी कहोगे कि मुसलमान रिएक्ट ना करें। मतलब ये कि अब भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोग बहराइच की हिंसा, रामगोपाल मिश्रा की हत्या को जायज ठहरा रहे हैं। बहराइच से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।